फ्रेंड्स नमस्कार, मैं मिक्की, स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एम के किचन में। फ्रेंड्स तो देखिए, आज एम के किचन में बन रही है ये सॉफ्ट एकदम फुली फुली इडली और इंस्टेंट बनने वाली इडली, एकदम पुए की तरह फुली फुली। देखिए एकदम स्पॉन्जी है, दही बड़े की तरह देखिए इस एकदम स्पॉन्जी, और ना तो ये सूजी है ना तो इसमें और दूसरा चावल और दाल का ही है। इसको आप इंस्टेंट कैसे बना सकते हो और इतने सॉफ्ट बना सकते हो फ्रेंड्स, तो देखिए ये दब जाते हैं, इतना स्पॉन्जी के दब जाते हैं उसके बावजूद भी ये फिर फैल जाते हैं इतने। देखिए देखिए इसको काट के मैं दिखा रही हूँ, देखिए इतने स्पॉन्जी कि मैं दोनों हाथ से भी इसको दबा हूँ, तो देखिए इतने अच्छे से केक की तरह ये सॉफ्ट बने हुए हैं फ्रेंड्स। चलिए इसको बनाती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ उड़द दाल ली हूँ, देखिए एक कटोरी या कप जिससे अभी नापे, और ये दाल दो तरह के होते हैं, ये देखिए ये टुकड़े दो टुकड़े में बटे दाल हैं और एक खड़े रहते हैं, कोई भी आप भिगा सकते हो फ्रेंड्स। तो यहाँ भिगने दे दिए हैं उड़द की दाल और चावल। इस कटोरी से मैंने दाल ली थी उसी कटोरी से मैं दो कटोरी उतने ही चावल ले रही हूँ, और देखिए एक कटोरी दाल और दो कटोरी चावल, ये चावल मोटे वाले हैं अरवा चावल हैं, इसको भिगा देंगे। और इसको देखिए पानी में डाल दिए हैं, एक डेढ़ घंटे में अच्छे से फूल जाएंगे अगर इंस्टेंट बनाना है तो, और नहीं तो आप इसको रख सकते हो पाँच छः घंटे भी। तो मैं तुरंत इसको बना रही हूँ। तो चलिए इसको इधर भिगने दे दिए हैं, दूसरा प्रोसेस उधर कर लेती हूँ। तो चलिए यहाँ कढ़ाई गर्म होने दे दिए हैं, कढ़ाई गर्म हो गया है, उसके बाद मैंने एक चम्मच तेल डाली हूँ और एक कप मूंगफली डाल दी हूँ इसमें, और देखिए एक इंच जैसा अदरक है और दो हरी मिर्च है, और ये नमक आधा चम्मच जैसा नमक है, नमक इसमें मीठा डालें, बहुत ज़्यादा तीखा ये चटनी अच्छा नहीं लगता, मीठा चटनी ही अच्छे लगते हैं। उसके बाद देखिए इसको फ्राई कर लेती हूँ, तीन से चार मिनट में फ्राई हो जाएंगे, मतलब ये चटक जाते हैं, चटक चटक के देखिए ये बीच से टुकड़े हो जाएंगे, फट जाएंगे बीच से, तो आपको दिखा रही है ये देखिए फट गए हैं बीच बीच में। तो फ्रेंड्स चलिए ये तैयार है, अभी गैस का फ्लेम बंद करते हैं और इस चटनी को बना लेते हैं उधर। तो चलिए इसको बनाती हूँ, इसको एक जार में डाल लेते हैं, और इसमें पानी की मात्रा बहुत कम डालें जितने मूँगफली है, क्योंकि पानी भी थोड़ा सूखता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला चटनी कीजिए तो खाने में अच्छा नहीं लगेंगे। तो चलिए इसमें जार में डाल लेते हैं, और इसमें जितना मूंगफली है उतने ही पानी इसमें डाल देती हूँ, और अगर थोड़ा ज़्यादा आपको पतला है खाना है तो थोड़ा आप डाल सकते हैं बाद में, या तो ज़्यादा मोटा है वैसे देख के आप, क्योंकि मूंगफली कम सूखा रहता है, या तो फिर ज़्यादा तो उसके हिसाब से पानी लगती है, तो ज़्यादा पतला नहीं। तो यहाँ चटनी तैयार है, तो इसके छौंक के लिए चलिए छौंक लगाते हैं इसमें तड़का अच्छे से तड़के, और यहाँ उसके लिए मैं बर्तन एक बर्तन ली हूँ, उसको गैस में गर्म होने दे दी हूँ, उसमें एक चम्मच तेल डाली हूँ, एक चम्मच जैसा ये राई है सरसों है, और एक चम्मच मैं यहाँ उड़द दाल डाल दी हूँ छोटे चम्मच में, और तीन चार लाल मिर्च और ये कड़ी पत्ते, जब वो सब तलक गए हैं उसके बाद मैं ये कड़ी पत्ते डाल दी हूँ। उसके बाद देखिए तड़के तैयार हैं, चलिए लगाते हैं। देखिए चटनी में ये तड़के लगा दिए हैं, अब फ्रेंड्स ये तड़के बहुत ही टेस्टी बन गए ये चटनी। अब चटनी को छोड़ते हैं, इधर बैटर को तैयार करते हैं, उसके लिए मैं यहाँ दाल और चावल को पीस लेती हूँ। पीसने के लिए मैं यहाँ देखिए नमक भी डाल दी हूँ, दाल भी और चावल दोनों मिला के डाल दी हूँ, दोनों की मात्रा क्या लेना है वो पता है आप लोग को, जितना आप दाल लिए हैं उससे डबल चावल लेना है, और यहाँ नमक डाल दे रही हूँ, और अब इसमें एक चम्मच नमक डाली हूँ, और दही दो चम्मच जैसे मैं यहाँ दही डाल दी हूँ, दही इसलिए डाली हूँ कि इंस्टेंट बना रही हूँ तो ये जल्दी से। इधर देखिए कुकर गर्म हो गया है, बैटर भी तैयार हो गया है, कुकर में पानी डाल दी हूँ वो खोलने लगा है, उसके बाद मैं यहाँ बैटर में इनो डालूँगी, इनो एक चम्मच डालेंगे, इसके जगह मीठा सोडा भी डाल सकते हो। तो चलिए इसमें इनो एक चम्मच डाल देती हूँ, ये जैसे पानी गर्म हो गया है उसके बाद ही यहाँ डालें, पानी खोलने लगा है, इनो बहुत देर तक रहने के बाद ये काम नहीं करता है। उसके बाद यहाँ देखिए स्टैंड में मैं यहाँ तेल लगा दी हूँ, एक बूंद तेल इसको सब स्टैंड में मैं लगा दी हूँ, और इसको मिला लेते हैं बैटर में इनो को, और देखिए अब इसमें सब में इसमें डाल दिए हैं। देखिए बैटर को बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, गाढ़ा में ही रखना है, और देखिए इतना जैसे कि देखिए इसको डाल रही हूँ थोड़ा टपक रहा है उतना ही रखना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा, और ये देखिए इतने अच्छे बने एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट। तो फ्रेंड्स उसके बाद जो बैटर बचा है उसमें उसको रखना भी नहीं, क्योंकि इनो डालने के बाद वो बहुत देर तक नहीं रखना है, तो कटोरी में भी मैं जो बचा है उसको डाल दी हूँ, जितने आपको एक बार में एक बैच में बनता है उतने में आप इनो डालें। उसके बाद देखिए कटोरी वाला मैं एक कढ़ाई में पानी गर्म होने दे दी हूँ, और इसमें कटोरी रख दी हूँ, दोनों सेम टाइम में बन जाएंगे, दो तीन मिनट उसमें कटोरी वाले में ज़्यादा लगेंगे। इधर देखिए मेरा इडली बन के तैयार है, कितना सॉफ्ट और फूले फूले लग रहे हैं, एकदम पुए की तरह फूले हुए हैं। देखिए चलिए इसको थोड़ा ये, हाँ चलिए इसको दिखाती हूँ, देखिए
एक तीटपी की एक चम्मच की मदद से मैं आपको दिखा रही हूँ ये कितने अच्छे से फूल तो गए हैं, उसके बाद एकदम कितने अच्छे से बन गए हैं कि एक जरा भी टूटपिक ये चिपक नहीं रहे हैं। और ये गर्म है अभी तो इसको निकाल लेती हूँ और जल्दी से निकाल के अलग अलग कर देती हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। आप इसको रख सकते हो ऐसे 2-3 मिनट कुकर में भी छोड़ दो, ये तो फिर बाहर है ऐसे तो ये हाथ से भी आप निकालोगे निकल जाएगा आराम से। मैं यहाँ गर्म है थोड़ी सी इसलिए चम्मच से निकाल रही हूँ, इसको आप ठंडा होने दे तो आराम से वो निकल जाएंगे। मैं यहाँ इसको निकाल ली हूँ और देखिए एकदम पुए की तरह फूले फूले बने हुए हैं फ्रेंड्स, आपको एकदम विश्वास नहीं होगा एकदम डबल फूले हुए हैं। स्टेन जो मैं डाली थी वह स्टेन से ये दब गए इतने फूले हुए हैं। और देखिए इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब लगेंगे, सूजी वाला में टेस्ट उतना नहीं लगता, उसमें खटास नहीं होती है क्योंकि दाल और चावल में खटास होती है। उसके बाद देखिए इसको तो मैं काट के आपको दिखाती हूँ, इसको कितने सॉफ्ट और फूले फूले बने हुए हैं। इसको इतने अच्छे से ये देखिए ना लग रहा है ना कि जैसे कि दबाने के बाद देखिए ये दही बड़े की तरह एकदम फूले फूले लग रहे हैं। और इडली तैयार है, आप इसको चटनी के साथ खाएं। ये तो ऐसे एक तरीके और बता रही हूँ मैं इसको फ्राई करने के, एकदम ये क्रंची वाले तरीके हैं इडली को आप ऐसे खाओगे। लंच में आप इसको आराम से दे सकते हो बिना चटनी बिना कोई चीज़ का बिना दाल का। तो चलिए देखिए यहाँ कढ़ाई गर्म होने दे दी है, कढ़ाई में मैंने तेल डाली हूँ, लाल मिर्च और कढ़ी पत्ते थोड़े डाल दिए हैं और थोड़ी सी सरसों। उसके बाद देखिए इडली को डाल दी हूँ इसमें, 2-3 टुकड़े कर दें, नहीं तो आप खड़े खड़े पसंद करते हो ऐसे गोल में तो वो भी आप खा सकते हो। मैं यहाँ टुकड़े कर दी हूँ, लंच बॉक्स में डालना है तो इसके लिए चलिए इसको फ्राई कर देते हैं। 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करना है। देखिए फ्राई करने के बाद ऊपर में ये हल्के से ब्राउन आने लगते हैं ना तो वो एकदम क्रंची बन जाते हैं तो बहुत लाइक करते हैं सब। उसके बाद यहाँ नमक डाल दी हूँ, थोड़ी सी नमक डालने हैं, नमक पहले डाली हुई है इसलिए बहुत ज़्यादा नमक नहीं। और 1 चम्मच जैसा भर के मैं यहाँ इसमें आमचूर पाउडर डाल दे रही हूँ, ये तो चाट मसाला भी आप डाल सकते हो। उसके बाद देखिए ये फ्राई हो गए हैं और ये देखिए कितने एकदम टेस्टी लग रहे हैं फ्रेंड्स। आप एक बार इसे खाओगे तो बार बार ऐसे ही खाओगे, ना चटनी की ज़रूरत ना सांभर की ज़रूरत पड़ेंगे फ्रेंड्स, ऐसे ही मज़े से आप खाओगे बिना चटनी का इडली बन के तैयार। इसको आप लंच बॉक्स में दे सकते हो फ्रेंड्स, लंच बॉक्स में ना आपको सांभर की ज़रूरत पड़ेगी ना तो चटनी की, ना कहीं टपकेंगे ना गिरेंगे ना गीला होंगे कोई चीज़, और ये एकदम टेस्टी लगेंगे फ्रेंड्स, ये गारंटी है। आप एक बार ऐसे बनाओगे तो बार बार बच्चे यही खाना चाहेंगे, मेरे घर में यही बनते हैं, ना चटनी की ज़रूरत ना सांभर की ज़रूरत। इसी तरह आप बना दो तो दिन भर ये खाएंगे फ्रेंड्स। तो चलिए मैं इसको लंच बॉक्स में डाल दी हूँ और इसको दिखा दी, एक टूथपिक भी रख देंगे ताकि ये आराम से उठा के खा सके। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो और ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स, एक प्यारा सा कॉमेंट और एक लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। इतने अच्छे पुए के तरह इडली बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं और बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं करना है।